हमारी गरीब बहन भाइयों को जो पूरे महाराष्ट्र भर में केसरी कार्ड पे शहर विभाग में भी और ग्रामीण में भी अनाज मिलता है और मालेगांव तालुके के तमाम ग्रामीण में केसरी कार्ड पे आज भी अनाज मिलता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब एमडीओ ऑफिसर कलेक्टर जब इन लोगों से बात करो तो वो ऐसा बोलते हैं हमको ऊपर भी देना पड़ता है। 1,43,000 आप नोट करो बात, 1,43,000 नासिक जिले में केसरी कार्ड वालों का कोटा सिल्लक है, नासिक जिले के अंदर सिल्लक है और नासिक शहर में 4 MLA चुनकर आते, नासिक के अंदर मेरी मालूमत जो है सरकारी तौर पर कि वहां पर केसरी कार्ड के ऊपर माल उठाया नहीं जाता, तो वहां पर कोठा कोई लेता ही नहीं है, ऐसी मेरी रिपोर्ट है। तो जो हमारा ग्रामीण भाग है जहाँ की आवाम आज मांग रही है, हजारों की तादाद में रोड के ऊपर आई, सड़क के ऊपर आई, तो ये डीएसओ बैठ जाए, कलेक्टर बैठ जाए, यहाँ का एमडीओ बैठ जाए और हमारी जो डिमांड है उसको पूरी करे। तुम्हारे पास कोटा सिल्लक है, 25 तारीख के पहले लेटर हमको मंजूरी का भेज दो, जिसका 59 है उनका दे दो, अगर लिस्ट लगेगी तो हम जमा करा देंगे। हम लोगों ने कोई खाली ताकत बताने के लिए नहीं, हमारा अपना मुसालबा मनवाने के लिए, तुझे बताओ इससे पहले आप कभी किसी लीडर का दिले दिमाग में ये बात भी नहीं आई कि आज गरीब बेबस मजबूर और लाचार जिसको जो अनाज से महरूम है, किसी लीडर के दिल दिमाग में ये ख्याल नहीं आया। आज अगर आया भी तो आपके अपने लीडर शेख रसीम साहब, आसिफ शेख साहब यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लीडरों के दिमाग में ये ख्याल आया कि क्यों मेरे मालेगांव शहर के 20 हल्के में हमारे मालेगांव शहर में नहीं होता। यहाँ तो खुले आम मांगा जा रहा, गरीब आवाम की जनता के नाम पे मार ही माल। मेरी गुजारिश है, यह हमारे वहाँ के अब पालक मंत्री भी बन गए, आउटर के आमदार क्या उनका ध्यान नहीं है, क्या उनको करोड़ों में पहुंच जाता, ऐसा कुछ है क्या? अब तो ऐसा था कि पहले दूसरे जिले के थे, अब तो नासिक जिले के पालक मंत्री हो गए, वो इनको तो कुछ पूछता ही नहीं, भारत सरकार का जो भी डिपार्टमेंट मिलता माली माल मिलता है। मैं सभी राष्ट्रवादी कांग्रेस की बहनों को, भाइयों को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से और राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से मैं आप तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूं। आज खास तौर से हम लोगों ने इसलिए आज का दिन चुना कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जन्मदिन भी है और साथ साथ में आज ये जो केसरी कार्ड का 2022 में जो जीआर निकाला गया, अब 3 महीने हो गए, तीसरे महीने में, लेकिन गवर्नमेंट का आदेश था, कलेक्टर का आदेश था, जरा आप लोग देख रहा हो दबो दबो, पत्रकारों को आगे रहने दो, दबो थोड़ा थोड़ा इधर भी दबो, थोड़ा सामने से आ जाओ। आज हम लोगों ने कोई खाली ताकत बताने के लिए नहीं, हमारा अपना मुसालबा मनवाने के लिए, हमारी गरीब बहन भाइयों को जो पूरे महाराष्ट्र भर में केसरी कार्ड पे शहर विभाग में भी और ग्रामीण में भी अनाज मिलता है,
और मालेगांव तालुके के तमाम ग्रामीण में केसरी घाट पे आज भी अनाज मिलता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब एमडी ऑफिसर कलेक्टर जब इन लोगों से बात करो तो वो ऐसा बोलते हैं हमको ऊपर भी देना पड़ता है। इसका मतलब रिश्वत, हमारा माल रास्ते से आते आते ही कहीं और चला जाता। इसलिए ये हमारा अपना हक है, ये हमारा अपना हक है। खाली हमको 25 किलो अनाज नहीं चाहिए पीले कार्ड के जैसा, अंतरूही कार्ड के जैसा। हमको अनाज के साथ साथ शक्कर भी चाहिए, तेल भी चाहिए, दाल भी चाहिए। आज भी ग्रामीण को मिलती है लेकिन मालेगांव शहर के अंदर हमको पीले कार्ड वालों को भी दाल, तेल और ये बाकी चीजें नहीं मिलती है। शक्कर वगैरह हमारी अपनी डिमांड है। पीले कार्ड वालों के जिनके कार्ड खराब हो गए उनको फिर से कार्ड बना के दिया जाए। हमारा ये जितना बड़ा मोर्चा आया है इस मालेगांव शहर के अंदर करीब 1.5 लाख हमारे केसरी कार्ड वाले भाई बहन आए। हम लोगों को लॉकडाउन में भी अनाज नहीं मिला, लॉकडाउन में भी हम इससे वंचित रहे और हमारे मोदी जी ने हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी ने सबको समान रखने का वादा किया, सबका साथ सबका विकास रखने की बात की। फिर क्या बात है मालेगांव शहरियों को क्यों इससे महरूम रखा जाता है, वंचित रखा जाता है। क्या हम हिंदुस्तान से अलग है? क्या हमारा शहर महाराष्ट्र से अलग है? हमारी अपनी डिमांड है कलेक्टर से, डीओ से, प्रांत से, एडिशनल कलेक्टर से और हमारे एमपी अधिकारी से। मैं समझता हूँ ये एमपी अधिकारी को आने के लिए ज्यादा दिन नहीं हुए, ये 4-6 महीने होते हुए 6 महीना हो रहा है। लेकिन इनको तो एजीआर की मालूम है क्या? जानबूझ करके मेरी तो मालूम है ये पीछे डीएसओ ने, नासिक डीएसओ ने डिमांड की थी और ये बोला था कि अगर आप मुझे कुछ देते हो तो मालेगांव शहर को केसरी वालों को 25,000 कार्ड दे दूंगा, उनको अनाज दे दूंगा। क्या मोदी जी आपसे तो बोला था हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर साहब, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और यहाँ तो खुले आम मांगा जा रहा, गरीब आवाम की जनता के नाम पे माल ही माल। मेरी गुजारिश है या हमारे वहाँ के अब पालक मंत्री भी बन गए, आउटर के आमदार क्या उनका ध्यान नहीं है? क्या उनको करोड़ों में पहुंच जाता, ऐसा कुछ है क्या? अब तो ऐसा था कि पहले दूसरे जिले के थे, अब तो नासिक जिले के पालक मंत्री हो गए वो, इनको तो कुछ पूरता ही नहीं। भारत सरकार का जो भी डिपार्टमेंट मिलता माल ही माल मिलता है इनको। फिर खोके मैं नहीं बोलता, खोखरी सरकार बनी रही है अभी महाराष्ट्र में, ऐसा लोग बोलते। मैं भी टीवी चैनलों पर सुनता हूँ। अरे लेकिन यहाँ पे तो उल्टा है, पत्रकार भाइयों इनको खोके नहीं मिले मेरी मालूमत के हिसाब से, इसको तो 3 देना पड़े, 3 देके मंत्री बने। ये पैसा कहाँ से आया? पहला इलेक्शन तो लोगों ने चंदा दिया था ग्रामीण के, हमारी बहन भाइयों ने। माल कहाँ से आ गया? ये तो सालदार थे, ये कहाँ से माल आ गया?
कॉर्पोरेशन में भी छापते रहते हैं, एमडी में भी छापते हैं, प्लांट और तहसीलदार से भी होना। लेकिन दोस्तों, भाइयों और बहनों, मेरी गुजारिश है, हमारे तहसीलदार से, प्रांत से, हमारे एमपी से, क्या हमको अगर 15 दिन में, बल्कि 15 ही दिन नहीं, 12 ही दिन में 25 तारीख तक हमारी डिमांड आपकी हमारी अगर पूरी नहीं हुई, केसरी काज के ऊपर हमको अगर 90 रुपए में अनाज नहीं मिला, 35 किलो साथ साथ में तेल भी मिलना चाहिए, दाल भी मिलना चाहिए, शक्कर भी मिलना चाहिए। लेकिन अगर तुमने 12 दिन में 25 तारीख तक हमारी डिमांड पूरी नहीं की, 26 तारीख को हम कलेक्टर ऑफिस से धरना देंगे और कलेक्टर ऑफिस का घेराव करेंगे। ओके, आपको आने दो कलेक्टर ऑफिस, कलेक्टर का घेराव कर रहे। जब तक हम ताकत नहीं बताते, हम इकाई नहीं बताते, अपने मुताबिक पूरे नहीं होते, बराबर है ना? अभी बुजुर्ग माँ मैंने कुछ हो गया, लेकिन जब मैं आमदार भी नहीं हुआ था, एमएलए भी नहीं हुआ था, प्रेसिडेंटशिप के बाद मैंने एक पीले राशन कार्ड का मोर्चा निकाला, याद है कि नहीं? याद है, याद है। पीले राशन कार्ड का मोर्चा निकाला था, जब 10 से 12 हजार लोग थे, आज तो उससे डबल पब्लिक हो गई, 20 हजार हो, और माँ बहनों की तैदाद एक नंबर, हर वार्ड से माँ बहनें आई है, क्योंकि चूल्हा चक्की माँ बहनों को देखना है। हम तो चले जाते काम पे, और चूल्हा चक्की ये बहनें देखती है, इसलिए आपको खर्च चलाना पड़ता है, और कोई हम इसे भीख नहीं मांग रहे, ये अपना हक है। और ये डीएसओ और कलेक्टर और ये प्रांत और एफडीओ ऑफिसर दूसरी जगह माल ना पहुंचाते हुए ये गरीबों के पेट में अनाज दीजिए, इनको खाना गरीबों को खिलाइए। अरे क्यों इनका हक मारते हो? अरे मैं सब समझता, अभी भी पीले कार्ड के अंदर भी कभी चावल नहीं देते, कभी चावल देते तो भाव गायब कर देते, तेल शक्कर दाल तो गायब है, तीन तीन महीने नहीं देते, 55 की एक दुकान है। मोर्चे में आई हुई मेरी तमाम माँ बहनों से मैं गुजारिश करती हूँ कि हम जिस मकसद के लिए एक साथ जमा हुए और हमारे मुतालबात लेकर हम यहाँ पर शेख रशीद साहब, आसिफ शेख के नेतृत्व में यहाँ पर हमारा मोर्चा एक बड़ी तादाद में यहाँ पर आया है, तो आप लोग जितने खड़े हैं वो लोग सब कोई बैठ जाए और इत्मीनान से हमारे मुतालबात हमको रखना है। आज मालेगांव शहर में, आज हमारे मालेगांव शहर का यह सुलगता हुआ मसला कि केसरी राशन कार्ड पर हमें अनाज नहीं मिलता है, 2 लाख के करीब केसरी राशन कार्ड हमारे मालेगांव शहर में है, लेकिन अनाज से महरूम है, सिर्फ पीले राशन कार्ड वालों को अनाज मिलता है, वो भी मुख्तसर। और आज हमारा मालेगांव इतना बड़ा हो गया है, मालेगांव शहर की आबादी इतनी बढ़ गई है, आबादी के बढ़ते हुए देखकर शेख रशीद साहब के और राष्ट्रवादी पार्टी के कायदीन के दिमाग में ये ख्याल आया कि ये तो हमारे मालेगांव शहर का अहम मसला है, जो गरीब की पेट की आग बुझाने के लिए हमारे मालेगांव शहर में कोई आगे आने को आज भी तैयार नहीं। मालेगांव शहर में आज गरीब रो रहा है, वो गरीब परेशान हाल घूम रहा है, लेकिन उसका कोई परेशान हाल नहीं है, तो आज ये मोर्चा इस मसले को लेकर यहाँ पर आया हुआ है। आज मालेगांव शहर में बहुत कम राशन दुकानें हैं, जिससे हमारे मालेगांव शहर का कोटा पूरा नहीं होता। मालेगांव शहर में 120-100 के आसपास दुकानें हैं, जिसमें से शायद
अब 75 भी खुली रहती है तो नहीं क्या पता। तो मालेगांव शहर में अभी हमको और 200 से ज्यादा दुकानें चाहिए। हमारे मुताबिक में एक बड़ी डिमांड ये भी है ताकि मेरे मालेगांव शहर की हर माँ बहन अपने अपने इलाके में जाकर और अपने अपने इलाके में जाकर 10 से 15 मिनट में अनाज लेकर उसकी घर वापसी हो, ये प्रयास न करते हुए हमने दुकानों की डिमांड यहाँ पर रखी है। आज 90 रुपये में 35 किलो अनाज लेने के लिए मेरी माँ और बहन को एक इलाके से दूसरे इलाके में जाना पड़ता है और 150-200 रुपया सुपर रिक्शा का भाड़ा लगता है और 90 रुपये का अनाज लेकर वो दिन भर की अपनी खोटी करके वो घर लौटती है। क्या लेकर जाती है वो 90 रुपये का 35 किलो अनाज 200 रुपया खर्चा करके। तो ये सब तमाम तकलीफ मालेगांव शहर की गरीब आवाम जिनको बहुत असहज जरूरत है कि जिस तरीके से पीले राशन कार्ड पर गेहूं चावल शक्कर और दालें वगैरह तकसीम की जाती है इसी तरीके से कर्सरी पर भी मिलना चाहिए। ये हमारे मुतालबात का पहला हिस्सा है और हमको ये सोचने पर मजबूर हो गए हम कि क्यों ग्रामीण में और जितने हद्दार हुई है तमाम देहातों में वहाँ पर केसरी पर राशन कार्ड दिया जाता है उनको केसरी पर भी दाल और शक्कर गेहूं चावल सब तमाम वो चीज मुहैया कराई जाती है लेकिन ऐसा सुलूक हमारे मालेगांव शहर में क्यों होता है, हमारे शहर में क्यों केसरी पर नहीं दिया जाता है। ये सोच हम आपके अपने लीडर शेख रसी साहब के दिमाग में आई कि हमारे मालेगांव शहर की गरीब आवाम इस चीज से महरूम है और उनको हक उनका नहीं मिल रहा है, उनका हक और आपका अपना हक दिलाने के लिए आज का ये मोर्चा इतनी दूर से हम चल कर आए हैं। और ये मोर्चे में मेरी माँ बहनों ने बता दिया कि अभी मालेगांव शहर की माँ बहनें जागरूक है और अपना हक मांगने के लिए आप लोग जरूर आगे आएंगी और आज आप लोगों ने साबित कर दिया कि जब जब भी हमारा हक हमको हासिल करना होगा तो हम लोग एक साथ इसी तरीके से आएंगे। आज मुझे बताओ इससे पहले और कभी किसी लीडर का दिल दिमाग में ये बात भी नहीं आई कि आज गरीब बेबस मजबूर और लाचार जिसको जो अनाज से महरूम है किसी लीडर के दिल दिमाग में ये ख्याल नहीं आया। आज अगर आया भी तो आज के अपने लीडर शेख रसी साहब आसिफ शेख साहब यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लीडरों का दिमाग में ये ख्याल आया कि क्यों मेरे मालेगांव शहर के 20-20 हल्के में हमारे मालेगांव शहर में नहीं मिलता है। आज जाके देखो दबदबारी से लेकर दयाना भाई जाओ तमाम तरफ वो पीओ केसरी पर भी उनको सब कुछ मिलता है लेकिन हमको नहीं मिलता, क्या वजह है? आज हम इनसे पूछ के रहेंगे कि क्या वजह है, हमको हमारी चीजें में हमारा हक मिलना चाहिए, बोलो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में आज अगर हमारे मुतालबे पूरे नहीं किए गए तो ये मामला यही तक थमने वाला नहीं है। ये माँ बहनों को ये उमड़ता हुआ सैलाब ये मुंबई का ऐसा प्रोग्राम भर देंगे और सरकार की नींदें खराब है उड़ाने के लिए हमारे मालेगांव शहर की ये जागरूक बहने चाहती है। आप तमाम लोग हाथ उठाकर बोलो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हम हमारे मसाइल हमारे मुतालबात पूरे करके यहाँ से उठेंगे और नहीं हुआ पीछे से भी हाथ उठाओ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमारी जो बड़ी निशान है वो पार्टी हमको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में मालेगांव शहर के तमाम मसाइल हमको पूरे करना है। घड़ी हमारा निशान क्या कहना घड़ी हाँ घड़ी अब हमको पूरे मालेगांव शहर में एक रंग दिखाना है। वक्त की कदर करो घड़ी के साथ रहो। आप यहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर आए, मैं चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए पहले बात समझ। अगर यहाँ पर आप लोगों ने इतना वक्त दिया यहाँ पर आए और अगर आप यहाँ पर क्यों आए राशन केसरी कार्ड पर मिलना चाहिए इसके लिए आप लोग यहाँ पर आए लेकिन कैसे मिलेगा ये भी तो तुमको समझना जरूरी है। मालेगांव शहर में 1,20,000 केसरी राशन कार्ड है यानी केम समक्षेर और मालेगांव मिलाकर उसमें रमजान पूरा भी है मालदा भी है तरेगांव साइना भी है दो गांव भी है
ये तमाम ही इलाके मिलाकर 1,20,000 केसरी राशन कार्ड है और 1,20,000 में से केसरी राशन कार्ड वालों को 500 लोगों को अनाज मिलता है। मालेगांव शहर के अंदर 1,20,000 है और सिर्फ 500 लोगों को केसरी कार्ड वालों को अनाज मिलता है, जिसके ऊपर सरकार ने एफटीओ ऑफिसर ने ठप्पा लगाया है। ऐसे लोगों को सिर्फ वो केसरी कार्ड वालों को अनाज देती है और यहाँ पर हम डिमांड करने आए, मुतालबा लेकर आए कि केसरी कार्ड वालों को गेहूँ, चावल, शक्कर, दाल, रॉकेल वो तमाम ही चीज़ें जो राशन कार्ड के ऊपर मिलती है, राशन दुकानों से मिलती है, वो हम लोगों को केसरी कार्ड पर मिलने होना, जो आज नहीं मिलती, ये डिमांड लेकर हम यहाँ पर आए। और ये जो ऑफिसर है यहाँ का, चाहे एफटीओ ऑफिसर हो, यहाँ का प्रांत ऑफिसर हो, यहाँ के एडिशनल कलेक्टर हो या यहाँ का महसूल डिपार्टमेंट हो, ये वहाँ पर ऐसी रिपोर्ट करते हैं नासिक में, ऐसी रिपोर्ट करते हैं कि यहाँ पर केसरी कार्ड वालों को जरूरत नहीं है, ऐसी रिपोर्ट यहाँ पर झूठी रिपोर्ट वो लोग करते हैं और ये वजह से हम लोगों को केसरी कार्ड वालों को अनाज नहीं मिलता। और सरकार का जीआर है, हम कोई गैर कानूनी तौर पर मोर्चा नहीं निकाले या गैर कानूनी तौर पर हम डिमांड करने नहीं आए, ये पुलिस डिपार्टमेंट में जरा नोट कर ले और महसूल विभाग भी ये बात को नोट कर ले। सरकार का जीआर है कि 59,000 की जिसकी आमदनी है, जिसका ओपन दाखिला है, राशन कार्ड पर जिसका लिखा है कि 59,000 इनका सालाना इनकी कमाई है, उसके अंदर वालों को राशन मिलना चाहिए, यह सरकार का जीआर है, कानून है। और मैं ऐसा मानता हूं कि भी 1,00,000 लोग कम से कम ऐसे हैं जिनका 59,000 से अंदर का ओपन सर्टिफिकेट सबके पास और राशन कार्ड पर लिखा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों को अनाज नहीं मिलता। और केंद्र सरकार का, मरकजी हुकूमत का ये यार है कि 70% लोगों को, 70% लोगों को हिंदुस्तान में केसरी कार्ड वालों को अनाज मिलना चाहिए। मैं मीडिया के भी लोगों से बोलना चाहता हूँ कि ये सरकार का डिपार्टमेंट तक ये बात पहुँचाए कि जब 70% लोगों को उसमें से उनका जिसका 59,000 की आमदनी है, ओपन दाखला है, ऐसे लोगों का सर्वे आज तक इन्होंने नहीं किया। अगर ये सर्वे कर लेते तो 70% लोगों को अनाज मिलना शुरू हो जाता, लेकिन इनकी नालायकी ये है कि इन्होंने आज तक नहीं, इनकी नालायकी है। और मैं आज आपको बताता हूँ, कभी शेख रशीद साहब ने कहा कि 25 तारीख तक अगर हमारी डिमांड मंजूर नहीं हुई तो शेख रशीद साहब ने कहा कि कलेक्टर ऑफिस का नासिक में हम घेराव करेंगे। उसकी वजह हमको कहीं दूर जाना नहीं है, बम्बई जाना नहीं है मंजूर कराने, दिल्ली जाना नहीं है, 1,43,000 आप नोट करोगा, 1,43,000 नासिक जिले में केसरी कार्ड वालों का कोटा सिल्लक है, नासिक जिले के अंदर सिल्लक है। और नासिक शहर में 4 एमएलए चुनकर आते, नासिक के अंदर मेरी मालूमत जो है सरकारी तौर पर कि वहाँ पर केसरी कार्ड के ऊपर माल उठाया ही नहीं जाता, तो वहाँ पर कोठा कोई लेता ही नहीं है, ऐसी मेरी रिपोर्ट है। तो जो हमारा ग्रामीण भाग है जहाँ की आवाम आज मांग रही है, हजारों की तादाद में रोड के ऊपर आई, सड़क के ऊपर आई, तो ये डीएसओ बैठ जाए, कलेक्टर बैठ जाए, यहाँ का एफडीओ बैठ जाए और हमारी जो डिमांड है
उसको पूरी करें। तुम्हारे पास कोटा सिल्लक है, 25 तारीख के पहले लेटर हमको मंजूरी का भेज दो, जिसका 59 है उनका दे दो, अगर लिस्ट लगेगी तो हम जमा करा देंगे। यही सीधा हमारा डिमांड है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ कि असल में चाहे वो डीएसओ हो, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे एपीओ हो, असल में सरकार खोके वाली बैठी है तो इनको लाखों तो चाहिए। अगर सरकार खोके वाली है तो अधिकारियों को तो पेटी चाहिए, तो ये पेटी के लिए काम रुका हुआ है। और ये हमारे गांव शहर की आवाम है, यहाँ खोका और पेटी कोई जनता उतर नहीं। आपको ऐसी फ्री के अंदर गवर्नमेंट के कानून के मुताबिक हमको अनाज चाहिए, और आपने अगर अनाज नहीं दिया 25 तारीख तक तो नासिक कलेक्टर ऑफिस के ऊपर गाड़ियां करके हम लोग वहां पहुंचेंगे और घेराव करेंगे। ऐसा आंदोलन नासिक जिले के अंदर कलेक्टर ऑफिस के ऊपर नहीं हुआ, वैसा हम लोग जाकर करके बताएंगे। सरकार को रोकना है, पुलिस को रोकना है तो रोक, यही हमारी डिमांड है और सीधी डिमांड है। यही हमारी गुजारिश है कि हमारी डिमांड को मंजूर करें। और मेरी एक अपील है कि जो लोगों ने यहाँ पर राशन कार्ड की छिड़ाव से लाए, आप लोग जो जिम्मेदारों को दिए तो ठीक है, अगर आपके पास है तो अभी जिम्मेदार आपको है, जो आप जिस वार्ड से आए वो जिम्मेदार को दे। और जिम्मेदार हजार खोली पुलिस स्टेशन के पीछे या खुद माँ बहने वहाँ पर लाकर पहुँचा दे। हम वहाँ पर लिस्ट बनाएंगे और ये लिस्ट 25 तारीख को देंगे। अगर हमारी डिमांड मंजूर नहीं हुई और उस पर हमको राशन चाहिए, आप लोगों को चाहिए, इसके लिए आप लोग इत्मीनान रखिए। अगर आपने नहीं किया तो आप दे, जाते वक्त आप दे दे। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा। अब हमारे एपीओ साहब आगे मोर्चे, हमको उनको ही नहीं मालूम। बोलो, हमारी मांगे पूरी करो। एडिशनल कलेक्टर साहेब, एडिशनल कलेक्टर मीटिंगला, प्रांत मीटिंगला, तुम्ही आम्हाला बोलता है मैडम आहे आता मी यायला पाहिजे होतं ना, आज देते ना साहेब, फिर एक मार्ग पाहिजे हे महिने भाऊ आहे बरोबर आहे, तुम्हाला पूर्ण कल्पना आहे बरोबर की नाशिक जिल्ह्याचे जेवढे ग्रामीण भाग आहे सर्वांना केसरी कार्डवर धान्य भेटतो, पण मालेगावकरांना का नाही? हे सर्व पावरलूम मजदूर आहे, आई बहिणी त्यांचे पती आणि हकदार आहे, आणि आम्ही आमचा हक मांगतोय। आमचे प्राइम मिनिस्टर मोदीजींनी सांगितला सबका विकास बरोबर, सबका साथ सबका विकास, आम्हाला आता तुम्ही 6 महिने झाले लॉकडाऊनच्या वेळी पण नाही भेटलं, यांना आम्ही वंचित राहिलो। हो कमीत कमी आता 1,20,000 मालेगाव शहर भर का ग्रामीण नाही, हतवार झालेला तो भाग नाही, मालेगाव शहरात 1,20,000 केसरी कार्ड आहे आणि सर्वांची इन्कम सोर्स जी आहे 59,000। मग त्याला 25 तारीख पर्यंत हे डिमांड आमची पूर्ण करा, आमचा अनाज आम्हाला द्या, आणि पिले कार्डवाले जे आहे दारिद्र्य रेषावाले त्यांचे काही लोकांचे कार्ड खराब झाले, त्यांच्या बदलून द्या, नवीन बनवून द्या। आणि माहिती माझी अशी आहे की पिवळे कार्डची पण कमीत कमी 6,000 कार्ड तुमचं शिल्लक पडलेले, ते पण बनवून टाका, आणि केसरी कार्डवाल्यांना पण द्या। आणि परत ते साखर कुठे आहे, डाळ कुठे आहे, तेल कुठे आहे, आता तर राशन दुकानमध्ये पिवळे कार्डवाल्यांना गहू भेटत नाही, तांदूळ देऊन टाकतात,
ते जरा लक्ष घाला आणि डीएसओला पण सांगा, पंचवीस आणि कलेक्टरला पण सांगा, आमचं पत्र द्या बाबा, 25 तारीखपर्यंत आम्हाला आमची डिमांड आमची पूर्ण करा, नाही तर आम्ही 26 तारखेला कलेक्टर ऑफिसच्या बाहेर आमचं मोठा धरणं राहील आणि आम्ही कलेक्टर ऑफिसचा घेराव करून तुम्ही सर्व येणार ना.